ऐसा बहुत हो गया। फाइनली अब मैं आपको ना बताने जा रही हूँ कि सीमा क्या बना रही है। पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, अब बताने वाली हूँ पक्का। वन टू थ्री, ये देखो। अब आप सोचेगा ये क्या है। देखो ये आलू की चटनी भर के तब मोड़ेंगे ना तो एकदम डिजाइनिंग समोसा आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ओ भाई ये लाडला में लग रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। बाकी अब मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ खेत में, थोड़ा सा काम है बस खेत में, है ना। क्योंकि वैसे धान तो हमने निकाल दी थी, लेकिन थोड़ी सी एक ही आई रह गई थी क्योंकि वो कच्ची थी, इसलिए हमने वो बाद में काटी थी। तो इस वजह से वो थोड़ी सी ग्यारी है। आज हम निकालने जा रहे हैं उसको, ट्रैक्टर आने वाला है, बस उसे निकाल के फिर सीधा घर पे आना है, ठीक है। और आज सीमा कुछ न्यू रेसिपी बनाने वाली है। देखो भाई, भाई झंड हो रहा है, मैं जा रही हूँ। वाह वाह वाह, ये देखो भाई का थोबड़ा सड़ा सड़ा सा। देखो गाइस, हम आ चुके हैं खेत में और ये है बस, है ना। ये क्यारी ये इसलिए रह गई थी, मतलब ये कच्ची हो रही थी जो हमने वो भी कच्ची हो रही थी, लेकिन वो तो हमने सूअर की वजह से काटी थी, तो वो तब सूख गई थी, बारिश का मौसम हो गया था, इस वजह से हमें वो जल्दी निकालनी पड़ी। और ये हो रही थी कच्ची, तो ये हमने बाद में काटी थी, तो ये बच रखी है। अब ये देखो, हमने कल खेती कर दी थी, है ना। कल निकल तो कल ही जाती, लेकिन ट्रैक्टर ही नहीं आया, क्या करें, है ना। अब बस ट्रैक्टर आने वाला है, बस ये निकालनी है। और उधर दूसरा ट्रैक्टर आ रखा है हमारा, वो उधर जमीन जोत रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो वो ट्रैक्टर आ रखा है ना, ये देखो। तो इसमें हम बोने वाले हैं सरसों, जैसे कि आपको पता है इसमें हमारे धान थे, है ना। तो बस बाकी ये जोत रहे हैं। बाकी पता है आप सोच रहे होंगे कि स्वेटर पहन रखी भाई, गाड़ी पे इतनी ठंड लग रही थी ना, बहुत अच्छा मैं पहन के आ गई, स्वेटर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बाकी तो अब धूप निकल गई है। मशीन भी आ चुकी है, फटाफट से बस गेहूँ सॉरी धान और निकालने बस। निकल गए हमारे धान, बाकी ट्रैक्टर वगैरह तो सब चला गया। ये धान निकले देखो इस क्यारी में, ये पराल पराल ज़्यादा निकली, धान कम निकले। मैं आ चुकी हूँ घर पे, बाकी हमारा पूरा काम फाइनल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम धान वगैरह वहाँ पे खेत में निकाल रहे थे, है ना, है ना। तो अब बस अब क्या, बस कपड़े वगैरह धुलने। सीमा इधर विस्की को रोटी खिला रही है। हमने बनाई है लंच में खिचड़ी, काली दाल की खिचड़ी, तो हम भी अब लंच करेंगे फटाफट से। आपको भी खिचड़ी पसंद है तो जल्दी से आ जाओ, आपका इंतजार है। आप आओगे तो मिल जाएगी, वरना तो हम खा लेंगे, है ना। तो फिर मैं करती हूँ फटाफट से लंच। पर देखो यहाँ हमारे धान फैल रहे हैं और धूप बहुत प्यारी निकल रही है। हम बैठे हैं धूप में, देखो मेरे लिए बन गई है खिचड़ी। विस्की यहाँ बैठी हुई, इन्होंने कर लिया पहले पहले लंच, यहाँ बैठे हुए हैं। लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है, लंच के बर्तन धोने जा रही हूँ। ये देखो काला भगोना चूल्हे में काला हो रखा, मेरे हाथ काले हो जाएंगे, हाथ काले होने दे काले। ये मिट्टी का क्या करेगी, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी से बना है, सही मिट्टी में ही समा जाएगा, इसलिए कैर ना करे, ऐसे अफसोस ना करे। पहचान हमारी पक्की है एकदम। क्योंकि हम हैं काम करने वालों से, हम वो लड़की नहीं है कि कोमल से लड़के, अरे नहीं यार मेरे हाथ यूं हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे। ऐसा बहुत हो गया। फाइनली अब मैं आपको ना बताने जा रही हूँ कि सीमा क्या बना रही है। पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, अब मैं बताने वाली हूँ पक्का। ओके आप दिखते रहो कहीं जाना मत। वन टू थ्री, ये देखो। अब आप सोचेगा ये क्या है। क्या है सीमा बता ना। ये मैं डिजाइनर समोसे बना रही हूँ पहली बार, और इतना अच्छा अभी तक इतना बन गया है तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आगे देखते हैं कैसे बनता है। हाँ, और गाइस आप सोच रहे होंगे कि समोसे के लिए करती तब से, लेकिन बट ये सिंपल वाला समोसा नहीं है, रगेरा समोसा नहीं है, ये डिजाइनिंग समोसा है यार। इसको क्या बोलते हैं, मैट समोसा। हमारा बनने वाला है एकदम जबरदस्त। अब इसमें देखो ये आलू की चटनी भर के तब मोड़ेंगे ना तो एकदम डिजाइनिंग समोसा आएगा। ये देखो ये भर ये मसाला इसके अंदर है। तो
गाइस यहाँ पे बन चुके हमारे एकदम रेडी हो गए समोसे। कोई सा भी समोसा ले लो आप, बहुत सारे सीमा ने डिजाइन बना दिए इसमें। ये देखो मैट समोसा और ये पेटी समोसा और ये कौन सा समोसा है? कटिंग समोसा। हो नामकरण भी इन्होंने कर दिया है। मैंने नहीं करा, इनको बोलते हैं कितना अच्छा ये वाला, कितना अच्छा है ना ये दोनों पे। ये मैट समोसे हैं दोनों। ये ना बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत मस्त लगते हैं ना, देखने में भी कितने अच्छे लगते, खाने में कितने अच्छे होंगे। और एक ये है, ये कटिंग समोसा है, और ये पेटीज समोसा, और ये तो सिंपल सभी ने खाए हैं। हाँ ये तो खाए हैं, यहाँ पे बन भी रहे है ना, तो एकदम रेडी हो गए जल्दी से गाइस। आपको पसंद है ना, मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाँ और जल्दी से आपको पसंद है तो जल्दी से आ जाओ और सीमा के वी कुकिंग चैनल में जाओ और जल्दी से देखो कि ये वाले समोसे मैट समोसे कैसे बनते हैं। देखो है ना, हर कोई नहीं बना सकता ना, तो इसलिए आप भी जाके देखो पहले, तब बना के देखना आप भी। ठीक है गाइस, हमारे बच्चों के समोसे मिल रही समोसा। आप सोचेंगे इतनी क्या बन के दिखाई, हमने खाए समोसे। लेकिन जो मार्केट के में और घर के में क्या टेस्ट है वो तो आपको पता ही होगा है ना। मार्केट में मुझे खास नहीं लगते है ना, लेकिन घर के जो है वो मस्त लग रहे हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। आप ही जल्दी खाएंगे, जल्दी से आओ, एकदम बढ़िया हो रहा है। ठीक है तो गाइस यहाँ पे बन रहा है हमारा शाम का मतलब रात का खाना। मिस्की यहाँ पड़ के सो गई देखो, और ये ले रहे हैं समोसे, एंजॉय खाने में लग रहा है, चाय वगैरह के साथ। ठीक है चाय समोसे। तो गाइज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना और बने रहना हमारे ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।